नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक के संदर्भ में। हमने पिछली बार इलेक्ट्रॉन बंधुता के संबंध में बात की थी, उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसका पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से वेरिएशन होता है, और तीसरा हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक जिसकी हम बात करते हैं वो है परमाणवीय आकार। किसी तत्व का परमाणवीय आकार जितना अधिक होगा, जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से उतना ही दूर होगा, फलस्वरूप इस इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण जो होगा वो कम होगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाएगा। तो ये सामान्य बात है कि जितना अधिक जो है परमाणु का आकार है, इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन वो नाभिक से उतना दूर है, तो उस पर हम जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो ऊर्जा उसमें कम मुक्त होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो कम होता है। दूसरा हम बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश के संबंध में। किसी परमाणु के नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा, उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा, फलस्वरूप अधिक ऊर्जा मुक्त होगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी अधिक हो जाएगा। तो यानी कि नाभिक आवेश जो है जितना अधिक होगा, उसका आकर्षण जो है इलेक्ट्रॉन के प्रति जो है वो उतना ही अधिक होगा, और जब हम इलेक्ट्रॉन को उसमें जोड़ेंगे तो अधिक ऊर्जा जो है वो मुक्त होगी, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो भी अधिक होगी। इसके बाद अगला है परिरक्षण प्रभाव, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो किसी परमाणु के N-1 या N-2 कोश में यदि इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे बाह्य नाभिक होंगे, तो वे बाह्य इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आकर्षण के प्रति परिरक्षण करेंगे। जैसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है उसके नीचे के जो शेल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है उससे शील्ड करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो जितने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही ज़्यादा शील्डिंग होती है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से जब हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लेते हैं तो बाहर की ओर जब हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो अधिक ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। चौथा जो प्रभाव है, चौथा फैक्टर जो है वो है परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोश में अर्धपूर्ण अथवा पूर्ण भरित व्यवस्था हो, तो उससे नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर तत्व का स्थायित्व जो है वो कम हो जाता है। ये हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे अक्रिय गैसों में होता है, या जैसे हम देखते हैं अर्धभरित जो पी कक्षक है नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में इत्यादि में, तो वहाँ पर जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के की जो प्रवृत्ति होती है वो वहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जो स्थायी कॉन्फ़िगरेशन है वो स्थायी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उससे समाप्त हो जाता है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में जब हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान या तो बहुत कम होता होगा या शून्य होगा। तो ये चार कारक हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो रासायनिक व्यवहार पर क्या प्रभाव डालती है। तो रासायनिक व्यवहार पर किस तरह से हम इसको प्रभावित करती है, हम एक एक करके उसके संबंध में बात करेंगे। पहली बात है कि यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की उसमें तीव्र प्रवृत्ति है, और ऐसे तत्वों की क्रियाशीलता जो होती है वो अधिक होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को तत्व जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यदि उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो है वो ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, उससे उसकी क्रियाशीलता जो होती है वो अधिक होती है। इसी तरह से यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा है तो हम देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की अधिक प्रवृत्ति है, यानी कि वो एक प्रबल जो है ऑक्सीकारक के रूप में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो है वो अपना
काम करता है। फिर अगला है, यदि किन्हीं दो तत्वों के आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों से हम बंध की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर हम दो तत्वों की बात करें कि दो तत्व हैं, उनके आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों को हम जब कंपेयर करते हैं, और अगर मान लीजिए उनके मानों में अंतर जो है वो कम है, तो वो जो कम अंतर है उस कम अंतर को हम जालक ऊर्जा से पूरित जो है वो उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो ऐसा जो बंध बनेगा इन दोनों तत्वों के बीच में, वो बंध जो होगा वो आयनिक प्रकृति का होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर दूसरी अवस्था हो कि एक तत्व का आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो इतना अधिक है कि उसको हम जालक ऊर्जा से उसकी पूर्ति नहीं कर पाते, तो ऐसा यौगिक जो होगा वो सहसंयोजक बंध बनाएगा और वो सहसंयोजी यौगिक के रूप में व्यवहार करेगा। तो यह अंतर जितना अधिक होता है, यौगिक में सहसंयोजक गुण भी उतने ही अधिक होते हैं। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू के कंपैरिजन से हम ये बता सकते हैं कि उनके बीच में जो बनने वाला बंध है वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। देखिए इसको अपन उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर देखें कि NaCl जो है उसके एग्जाम्पल को हम लेते हैं। NaCl में सोडियम जो है उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव का मान जो है वो 496 किलो जूल प्रति मोल है, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका मान है 348 किलो जूल प्रति मोल। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 148 किलो जूल प्रति मोल का, और ये अंतर कम है जिसकी पूर्ति जो है वो जालक ऊर्जा के द्वारा यानी लैटिस एनर्जी के द्वारा हो सकती है। लैटिस एनर्जी कब होती है, जब एक कैटायन और एक एनायन आपस में पास में आकर जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उस ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो एनर्जी है 148 किलो जूल पर मोल, इसका कंपनसेशन जो है वो जालक ऊर्जा से हो जाता है, इसलिए जो है NaCl क्या होता है, एक विशुद्ध आयनिक यौगिक है। जबकि इसके विपरीत हम देखें बोरोन ट्राइफ्लोराइड को, तो उसमें बोरोन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान है, आयनन विभव का मान है, वो होता है 6887 किलो जूल प्रति मोल, और एक फ्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है वो होता है 333 किलो जूल प्रति मोल, और इनके बीच का जो अंतर है वो है 3888 किलो जूल प्रति मोल। तो ये अंतर क्योंकि बहुत अधिक है, इसलिए जो है इस ऊर्जा के अंतर को जालक ऊर्जा से हम पूर्ण नहीं कर पाते, तो इसलिए BF3 जो है वो एक जो है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के जैसे, एक प्योर कोवेलेंट कंपाउंड के जैसे व्यवहार करता है। तो ये है एक विशुद्ध सहसंयोजक यौगिक के रूप में व्यवहार करता है। फिर अगला जो बिंदु है वो हम देख सकते हैं कि जिसका उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या करता है, वो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है, और ये जो स्थायी आयनिक यौगिकों का जो निर्माण है वो उसके द्वारा किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में लगभग सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, हैलोजन के साथ, जो कि एक हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एलिमेंट्स हैं, इनके साथ में रिएक्ट करके क्या होता है, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और हैलाइड्स बनाते हैं। तो ये जो ऑक्साइड सल्फाइड्स और हैलाइड्स हैं, स्टेबल ऑक्साइड सल्फाइड्स और हैलाइड्स जो हैं वो इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो जो है वो बहुत अधिक होता है इसलिए। तो इस तरह से ये है रासायनिक व्यवहार की व्याख्या के संबंध में। अब हम कुछ बात करते हैं, कुछ सामान्य प्रश्न उत्तर जो इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम परिभाषित कर सकते हैं किसी विलगित गैसियस परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा है क्यों, तो इसका बहुत सामान्य उत्तर है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि फ्लोरीन परमाणु का आकार जो होता है वो बहुत छोटा होता है और इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बढ़ जाता है
और बाहर से जब हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है उसका हमें सामना करना पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर ऊर्जा जो होती है वो कम मुक्त होती है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो है वो कम होता है। फिर है अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जीरो क्यों होती है। अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पूर्ण रूप से स्थायी होता है, NS2 या NS2NP6। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर एक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल से अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो है वो ऊर्जा मुक्त नहीं होती, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो है वो जीरो होती है। अब है इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में अंतर बताइए। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट के बारे में अपन कल बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक अंतर की बात है तो ये बहुत सामान्य बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होती है, इसके बारे में भी बात हमने की, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता, किसी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रकृति होती है उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो ये क्या एक पावर है जो कि उस एटम में होती है जिससे कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है। तो ये विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो किस में होती है, वो एक अणु में होती है, और विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो किसी के सापेक्ष होती है, और विस्तृत रूप से इसके बारे में अपन कल के लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत सामान्य है, जैसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो ऋणात्मक क्यों होती है। तो इसका उत्तर क्या है, इलेक्ट्रॉन जब हम बाहर से जोड़ते हैं तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर क्या होता है, ओ माइनस ऋणायन बनता है, और जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और उसका रिपल्शन उस कारण से उसके अंदर रिपल्शन हो गया, तो जिससे क्या होता है कि अब हमको इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ना है तो इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध जाकर हमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता के संबंध में जो जो बातें थी वो आज के इस लेक्चर के साथ में पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं। अब हम अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता के संदर्भ में बात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।